दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील सैनी। आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कोठी लेके। 108 गज में बनी हुई है और बड़ी बड़ी रोड रहने वाली है। 35 फीट की सारी रोड आपको मिलने वाली है और इसका एलिवेशन भी बहुत प्यारा मिलने वाला है। पूरा देखिए एक बार एलिवेशन, टाइल वर्क के साथ है, ग्लास का यूज़ करा गया है। और दोस्तों 108 गज साइज़ भी बड़ा है और अंदर आप आओगे एक अच्छे लेवल हाइट मिल जाती है। पूरा एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ पे हमारी आ जाएगी टू व्हीलर पार्किंग। इसका साइज रहने वाला है 14x9 का। नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है, आपका सिलेंडर यहीं आने वाला है। स्टेयर्स आपको बाहर से मिलती हैं तो आपको डे वन से रेंटल इनकम भी आने वाली है। यहाँ पे आ जाएगी हमारी टू व्हीलर पार्किंग। और टू व्हीलर पार्किंग अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका साइज़ रहने वाला है 11x4 का। तो देखिए पूरे दोस्तों पार्किंग एरिया में एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई हैं। और चलते हैं हमारे घर की तरफ। और यहाँ पे भी देखोगे आप, अगर पार्किंग एरिया में डाउन सीलिंग में वुडन का और एलईडी लाइट्स का बहुत प्यारा यूज करा गया है। और एंट्रेंस पे देखिए आपको मैच डोर तो मिलता है। और ये देखिए एंट्रेंस डोर, देखिए मैं आपको अंदर से व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए स्मार्ट लॉक आपको इंक्लूड रहने वाला है। और आइए एक बार घर के अंदर। ओहो दोस्तों बहुत प्यारा अफोर्डेबल कैटेगरी की कोठी है। डाउन सीलिंग देखिए वुडन ही वुडन, बहुत प्यारी वुडन यूज़ करी गई है। ये वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। और ये पूरा ड्राइंग और डाइनिंग है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ दोस्तों, इसका जो साइज़ रहने वाला है 20x10.6 का। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़े साइज़ का आपको टीवी पैनल मिल जाता है। और ये देखिए यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। इसके नीचे भी स्टोरेज है, ये इसमें वॉलपेपर रखे हुए हैं। और इस एंगल से भी देखिए एक बार, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी विंडो ग्लास के साथ वेंटिलेशन के लिए। बहुत प्यारा घर, दिल से बनाया हुआ घर और आपके सपनों का घर। एक बार ज़रूर हमारी टीम को कॉल करें, एक बार कनेक्ट करें और इसको चेक करें। ये आ जाएगी हमारी मॉड्यूलर किचन। इसका जो साइज़ रहने वाला दोस्तों 8x10 का। यू शेप में देखिए आपको किचन मिलने वाली है। सारी फिटिंग जैकोर ब्रांड की, डबल सिंक आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए विंडो वेंटिलेशन के लिए मिल जाती है और आपके घर के एंट्रेंस विजिबल होती है ताकि आपको पता चल सके आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सारी प्रोविजनिंग आपको गीजर की आर ओ की इसमें मिलने वाली है। तो ये देखिए बहुत बड़े बड़े दोस्तों आपको कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। ये आपको सारी सॉफ्ट क्लोजर के साथ गैस पाइपलाइन आपके अंडरग्राउंड रहने वाली है। और ऊपर देखिए हाइड्रोलिक के साथ। यहां पे आपको चिमनी की प्रोविजनिंग मिल जाएगी और अगर आप किचन की भी दोस्तों डाउन सीलिंग देखोगे तो यहाँ पे भी वुडन का बहुत प्यारा यूज करा गया है। तो एक दिल से बनाया हुआ आपके सपनों का घर रहने वाला है। एक बार इसको जरूर विजिट करें। आइए चलते हैं हमारे बेडरूम में। ये आ गया हमारा पहला बेडरूम। इसका जो साइज रहने वाला है वो है 12x10 का। देखिए डबल चार विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई है, बहुत प्यारा वॉलपेपर। और इसकी देखिए डाउन सीलिंग बहुत प्यारी, बहुत हैवी आपको डाउन सीलिंग मिलने वाली है। और ये आगे इसके वार्डरोब, ये देखिए वार्डरोब यहाँ पे, ये स्लाइडिंग के साथ है। नीचे आपको शू रैक मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े शू रैक आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ आपको इस रूम में टीवी पैनल भी मिल जाएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट सा आपको टीवी पैनल मिल जाता है। पूरे घर में स्प्लिट एसी की प्रोविजनिंग मिलती है और इसके साथ आपको अटैच मिल जाएगा वॉशरूम। आप देखिए एक बार वॉशरूम का व्यू। इस वॉशरूम का जो साइज रहने वाला है वो है, आप एक बार देखिए पूरे वॉशरूम का व्यू, 6x6 इसका साइज रहने वाला है। अब देखिए रूम का व्यू।
और इसी रूम से दोस्तों हमें एक्सेस मिलता है हमारे रियर कोर्टयार्ड का भी। आपने देखे व्यू हमारे लिविंग कम डाइनिंग एरिया के, तो आपको व्यू दिखाता हूँ अब रियर कोर्टयार्ड का। ये हमारा आ जाएगा रियर कोर्टयार्ड, जहाँ से हमें वेंटिलेशन के लिए दोस्तों एक्सेस मिल जाता है। और ये देखिए यहाँ पे टैप की प्रोविजन मिल जाती है, आपकी वॉशिंग मशीन यहाँ इंस्टॉल हो सकती है। यहाँ पे आपको डक्ट एरिया रहता है आपकी वेंटिलेशन के लिए, और दोनों वॉशरूम की दोनों रूम की वेंटिलेशन मिलती है। और इस रियर कोर्टयार्ड की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इसका साइज़ रहने वाला है 8x6 का। तो आइए चलते हैं फिर घर के अंदर और देखते हैं और इस घर में क्या क्या ब्यूटी आपको मिलने वाली है। ये आ गया हमारा अगेन सेकेंड बेडरूम, 12x10 अगेन इसका साइज रहने वाला है। और इसकी देखिए ब्यूटी, सबसे पहले डाउन सीलिंग, हैवी डाउन सीलिंग आपको मिलती है, बहुत प्यारा देखिए वॉलपेपर मिल जाएगा। अगेन आपको अलग स्टाइल का देखिए आपको मिल जाएगा वार्डरोब स्लाइडिंग के साथ। इसमें आ जाएगा आपका ड्रेसिंग टेबल, और ये देखिए इसके पीछे भी आपको स्टोरेज मिलती है, इसके यहाँ पे भी नीचे भी स्टोरेज मिल जाएगी। नीचे आपको अगेन इसमें भी शू रैक मिल जाएंगे, और दोनों साइड ये स्लाइडिंग के साथ है। और इस रूम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको टीवी पैनल भी मिल जाएगा देखिए स्टोरेज के साथ। इसमें अगर अपनी मोबाइल एक्सेसरी, अपने रिमोट वगैरह आप स्टोर करना चाहें, यहाँ पे आपका सेटअप बॉक्स आ सकता है। तो बिल्कुल मैच करता हुआ इस रूम को ग्रे टोन दी गई है, आपके सनमाई के साथ मैच कराया गया, चाहे वो वॉलपेपर भी है। स्प्लिट एसी रूजिंग पूरे घर में आपको मिल जाएगी। और ये अगेन हमारा आ गया वॉशरूम, और इस वॉशरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, 6x6 इसका साइज़ रहने वाला है। आपकी वॉल एंड सीट, वैनिटी सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, रूफ हाइट्स तक टाइल्स लगी हुई हैं, और सारी फिटिंग जैक्वार ब्रांड की ही रहने वाली है। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। ये आपको 3BHK घर मिलता है, बहुत प्राइम लोकेशन, बिल्कुल 200 फिट रोड के साथ। आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर पे, और स्टेयर्स के बाहर से हैं तो दोस्तों आपको रेंटल इनकम एक अच्छी जनरेट होगी। स्टील रेलिंग के साथ पूरा स्टेयर केस पे आपका ग्रेनाइट लगा हुआ है। और ये आगे हम अपनी फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये देखिए स्टील रेलिंग ग्लास के साथ फ्रंट में आ जाएगी हमारी बालकनी, 22x3 इसका ये साइज रहने वाला है। और देखिए घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, आप भी इसको ज़रूर कंसिडर करें। ये आ गया हमारा पॉर्च एरिया, इसका साइज़ की बात करूँ 12x4 आपका साइज रहने वाला है। और यहाँ पे भी देखिए अच्छे डिज़ाइन LED लाइट्स के साथ मिल जाएंगे। और जैसे हम एंटर करते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये आपको मिल जाएगी किचन। किचन का साइज़ अगेन 10x8 का रहने वाला है। एल शेप में आपको किचन मिलती है, सेम सिमेट्री यहाँ पे आपको चिमनी की प्रोविजनिंग मिल जाएगी। और ये देखिए रेंटल इनकम से दोस्तों बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको सिंक मिल जाएगा नॉइस प्रूफ, अगेन जैक्वार ब्रांड की फिटिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए, और यहीं से विजिबल भी रहेगा आपके घर में कौन आ रहा है। तो ये किचन हमारी दोस्तों सबसे पहले आ जाती है अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें, और यहीं से हमारा एक्सेस आ जाता है हमारे थर्ड बेडरूम का। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा दोस्तों ड्रेसिंग एरिया, और इस ड्रेसिंग एरिया की मैं साइज़ की बात करूँ, 9x5 ये हमारा ड्रेसिंग एरिया रहने वाला है। और ये देखिए रूफ हाइट्स तक हमें ये ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, ये पीछे आपको स्टोरेज मिल जाती है, आपका मिरर आ जाएगा, ये नीचे भी स्टोरेज आ जाती है, और ये वाली स्टोरेज आपको मिलती है रूफ हाइट्स तक। तो 3 बेडरूम है दोस्तों, ये हमारा इन टोटलिटी थर्ड बेडरूम रहने वाला है। और इस बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, 12x10.6 इसका साइज़ रहने वाला है। तो ये देखिए बहुत प्यारा वॉलपेपर, इसकी डाउन सीलिंग देखिए दोस्तों एक अलग डिज़ाइन, बहुत प्यारा डिज़ाइन मिलता है। और यहाँ पे आपको एक बहुत बड़े साइज़ की विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए ग्लास के साथ। और आप एक चीज़ नोटिस करिए दोस्तों, आपके सनमाइका जो है उसके साथ
आपके बॉर्डर मैच करे गए हैं, आपका वॉलपेपर मैच कराया गया है, ताकि एक अच्छी सिमेट्री बनी रहे और आपका घर दोस्तों एक लग्जरी फील दे। और इस रूम के साथ अटैच मिल जाएगा हमें ये वाला वॉशरूम। और इस वॉशरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, 7x5 इसका साइज़ रहने वाला है। आपकी वॉल हैंग सीट, आपका शावर, मिक्सचर, सब कुछ जैकोर ब्रांड का रहने वाला है। रूफ हाइट से देखिए टाइल्स लगी हुई है और यहाँ पे आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए। तो 108 गज में बना हुआ 3 BHK इंडिपेंडेंट घर रहने वाला है। लोकेशन सेक्टर 124 रहने वाला है, बिल्कुल अपकमिंग 200 फुट रोड के साथ रहने वाला है। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी ओपन रूफ भी मिलने वाली है। ये देखिए ओपन रूफ, ये हमारी स्टेयर्स आ जाती हैं सेकंड फ्लोर के एक्सेस के लिए। और आप चाहें तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और एक फ्लोर ऊपर और बना सकते हैं। तो आपको ये घर कैसा लगा, जी हाँ आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो मिलने वाली हैं। सबसे अफोर्डेबल घर, प्लॉट, मकान, दुकान हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं। हमारी कोशिश रहेगी उससे भी सस्ते और लेके आएँ। आप हमें अगर सपोर्ट करोगे, आप हमें बताओगे आपको कैसी वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए वैसी वीडियो भी ला सकते हैं। अगर आप भी बिल्डर हैं, आप कोई टाउनशिप बना रहे हैं, आप भी हमें कॉल करें, हम आपके पास भी ज़रूर आएंगे। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पेज ज़रूर फॉलो कर लें, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलते हैं। और इस कोठी के लिए कोई भी क्वेरी आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें जितना हो सकता है प्यार ज़रूर दें, आपका प्यार हमारे लिए वही मोटिवेशन है। तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए।